हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में आप जानते हैं, अगर हमारे पास एक अननोन डीएनए फ्रैगमेंट है जिसकी सीक्वेंसेस हमें नहीं पता है, तो हम डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू इस अननोन डीएनए फ्रैगमेंट की सीक्वेंसेस और उनका ऑर्डर पता कर सकते हैं। इसका मतलब है, जैसे ये डीएनए फ्रैगमेंट है, इसकी सीक्वेंस ए टी जी सी सी जी या किस ऑर्डर में है, ये हमें पता करना होता है। तो हम ये डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू इसका करेक्ट ऑर्डर और उसकी सीक्वेंस पता कर सकते हैं। और आप जानते हैं, अगर हमें डीएनए के एक फ्रैगमेंट की, एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस का पता लग गया, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड है और इसकी सीक्वेंस भी हम पता कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पुराने टाइम में क्या होता था कि अगर हमारे पास 8 से 10 बेस पेयर की भी कोई सीक्वेंस होती थी तो उसे पता करना बहुत ही मुश्किल काम था। फर्स्ट मेथड है डीएनए सीक्वेंसिंग का, मैक्सम एंड गिलबर्ट मेथड। इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, केमिकल क्लीवेज मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, ये एक हमारे पास डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसकी सीक्वेंस का हमें पता करना है कि ये किस ऑर्डर में है। तो सबसे पहले हम इस डीएनए के दोनों एंड को रेडियो लेबल कर लेते हैं किसी एक आइसोटोप से। फॉर एग्जाम्पल P32 से इसे हम रेडियो लेबल कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट स्टेप है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अगर सेपरेट नहीं हैं, ये एक हमारे पास डीएनए फ्रैगमेंट है जिसकी सीक्वेंस का हमें पता करना है। तो सबसे पहले इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों एंड को फॉस्फोरस 32, ये एक रेडियो आइसोटोप है, उससे लेबल कर लेंगे। उसके बाद हमें फर्स्ट स्टेप होगा कि इसके दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना। हमने डीएनए को मेल्टिंग टेम्परेचर देके उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट कर लिए, तो हमारे पास ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें मिल गया। अब अगर हमें इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की सीक्वेंस का पता लग गया, तो हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा डीएनए, दूसरा स्ट्रैंड ये भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 टेस्ट ट्यूब्स ली हमने और चारों टेस्ट ट्यूब में हमने मार्क कर लिया। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को नाम दिया ट्यूब जी। सेकेंड टेस्ट ट्यूब को मार्क किया ट्यूब G+A। थर्ड टेस्ट ट्यूब है, इसको मार्क किया ट्यूब C+T। फोर्थ टेस्ट ट्यूब को मार्क किया ट्यूब सी। ठीक है, हमने 4 टेस्ट ट्यूब ली हैं और चारों को हमने अलग अलग मार्क किया है। पहला ट्यूब है ट्यूब जी, सेकेंड है ट्यूब G+A, थर्ड है ट्यूब C+T, फोर्थ है ट्यूब सी। तो इसमें हमने स्ट्रैंड को इसमें इसकी प्रिपरेशन बना ली। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसमें हम एक केमिकल एजेंट मिक्स करेंगे जिसका नाम है DMS। फर्स्ट ट्यूब में हमने क्या मिलाया, DMS, इसका फुल फॉर्म है डाई मिथाइल सल्फेट। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने क्या मिलाया है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये वाला जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था इसकी प्रिपरेशन थी, प्लस DMS डाई मिथाइल सल्फेट। सेकेंड ट्यूब जो हमारी है ट्यूब G+A, इसमें हमने क्या मिक्स किया, इसमें हमने सेम यही प्रिपरेशन स्ट्रैंड की प्लस एसिड मिक्स कर लेंगे। थर्ड ट्यूब में हमने मिक्स किया हाइड्राजीन, ठीक है, हाइड्राजीन प्लस जो हमारा स्ट्रैंड की प्रिपरेशन थी उसको मिक्स कर लिया। फोर्थ टेस्ट ट्यूब में हम मिक्स करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैंड की प्लस हाइड्रोजन प्लस 1.5 ml NaCl।
क्या मिक्स किया, 1.5 ml NaCl प्लस हाइड्राजीन। तो इस तरीके से आप समझ गए, फर्स्ट में DMS, सेकेंड में क्या मिक्स करते हैं, एसिड, थर्ड में हाइड्रोजन एंड फोर्थ में हाइड्रोजन प्लस 1.5 ml NaCl मिक्स कर लिया। तो ये मिक्स करने का हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस इसको मिक्स करने का है कि जो हमारा DNA है, जैसे फर्स्ट ट्यूब में हम डाई मिथाइल सल्फेट मिक्स कर रहे हैं, तो अब ये क्या करेगा, जो भी ग्वानिन अगर हमारे इस डीएनए स्ट्रैंड में अगर कहीं भी ग्वानिन प्रेजेंट होगा, तो DMS क्या करेगा, ग्वानिन को मिथाइलेट कर देगा। ठीक है, सेकेंड वाले में हमने मिक्स किया है एसिड, तो वो ग्वानिन और एडनिन, जितने भी ग्वानिन और एडनिन रेजिड्यूज हैं उनको प्रोटोनेटेड कर देगा। ठीक है, ग्वानिन और एडनिन क्या हो जाएंगे, प्रोटोनेटेड हो जाएंगे। थर्ड वाली ट्यूब में हमने मिक्स किया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन सी एंड टी जो हमारा साइटोसिन और थायमिन रेजिड्यूज हैं उनके पहले का जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उसको ससेप्टिबल कर देगा। ठीक है, साइटोसिन एंड थायमिन के पहले का जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा वो ससेप्टिबल हो जाएगा। और हमारी जो फोर्थ ट्यूब है उसमें हमने मिक्स किया हुआ है हाइड्रोजन प्लस 1.5 ml NaCl, वो साइटोसिन के पहले के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ससेप्टिबल कर देगा। तो इसीलिए देखिए इस मेथड को हम केमिकल क्लीवेज मेथड बोल रहे हैं। केमिकल क्लीवेज मेथड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हम केमिकल्स इसमें यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल्स का काम क्या है कि जो DNA के अंदर जो रेजिड्यूज़ हैं ATGC उनको ये क्या करेगा, ऑल्टर कर देगा। ठीक है, जैसे इसने ग्वानिन को, DMS ने ग्वानिन को ऑल्टर किया, ठीक, उसके बाद एसिड ने ग्वानिन एंड ए को प्रोटोनेटेड किया, ये भी चेंज हो गया, ग्वानिन और एडेनिन रेजिड्यूज चेंज हो गए, इसने भी यही किया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ससेप्टिबल किया। तो इस तरीके से जो हमारे बेसिस हैं वो ऑल्टर हो गए हैं। अब क्या होगा, केमिकल क्लीवेज मेथड, इस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल क्लीवेज मेथड। अब जो भी बेस ऑल्टर हुआ है वहां से हम DNA की जो स्ट्रैंड है वहां उसको हम ब्रेक करेंगे, DNA की बैकबोन को हम ब्रेक करेंगे। तो इसके लिए जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं वो क्या है, पाइपरीडीन। ठीक है, तो हम चारों टेस्ट ट्यूब को अलग अलग पाइपरीडीन से ट्रीट करेंगे। जब हम इसे पाइपरीडीन से ट्रीट करेंगे तो जो हमारा बेस ऑल्टर्ड हुआ है वहां से DNA की बैकबोन क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। तो हमें स्मॉल फ्रैगमेंट्स मिलेंगे DNA के। ठीक है, तो अब एक चीज और देखिए इसमें, तो जो हम लोगों ने ट्यूब का जो नाम रखा है ट्यूब जी हमने इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे इस वाले ट्यूब में क्या हो रहा है, ग्वानिन जो रेजिड्यू है वो चेंज हो रहा है, इसको हमने G+A नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्वानिन और एडेनिन रेजिड्यूज चेंज हो रहे हैं। सेम यही सिचुएशन इन दोनों टेस्ट ट्यूब में है, इसी के अकॉर्डिंग हमने इन ट्यूब्स को ये नाम दिए हुए हैं C+T, ओके, एंड C। फिर देखिए पाइपरीडीन से ट्रीट करने पर हमें DNA के जो फ्रैगमेंट्स मिलते हैं उन फ्रैगमेंट्स को हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस बेसिस पे इनका सेपरेशन करती है, इसमें क्या होता है, जो DNA फ्रैगमेंट्स हैं वो अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइज के अकॉर्डिंग सेपरेशन होगा, जो DNA फ्रैगमेंट्स स्मॉलर साइज के होंगे उनकी जो बैंड हैं वो हमें नीचे दिखाई पड़ेंगे, और जो DNA फ्रैगमेंट्स लार्जर साइज के हैं उनके बैंड हमें ऊपर दिखाई पड़ेंगे। तो रीडिंग जो हम लोग लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं, ऊपर वाले बैंड क्या हैं, साइज में बड़े हैं, और नीचे वाले बैंड हैं वो साइज में छोटे हैं। ठीक है, तो जब हमें ये इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करा लेते हैं उसके बाद हम ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू जो हमें बैंड मिलते हैं उनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए ये चारों ट्यूब थी जो आपके पास, G, A+G, T+C और C।
ठीक है, तो इसके हमने अलग अलग, इसको हम यहां पे ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद अगर हम ये इमेजिन कर रहे हैं जैसे कि हमें यहां पे ऐसे बैंड इसके ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू मिलते हैं, ठीक है, तो हम आप सीक्वेंस पता कर सकते हैं। ये आप अभी मत देखिए, जैसे ये बैंड हमें यहां पे इसके ऐसे मिले हैं, तो अब हमें सीक्वेंस का पता करना है, जो हमारा डीएनए जो पहले था उसकी सीक्वेंस हम कैसे निकालेंगे। अब यहां पे देखिए, हमेशा जो रीडिंग लेते हैं उसमें ये जो नीचे वाला बॉटम होगा वो 5' एंड होगा, और जो ऊपर वाला होगा टॉप वो 3' एंड होगा। अब जैसे हमें यहाँ पे एक बैंड मिला है और हमें पता करना है कि ये क्या है, ठीक है, तो अब ये बैंड हमें देखिए मिला है यहाँ पे, ये कहाँ पे आ रहा है, ए प्लस जी, ठीक, तो हम पता लग जाएगा हमें कि यहाँ पे एडेनिन होगा, क्योंकि तो ये बैंड हमें यहाँ पे मिला है ए प्लस जी के नीचे, तो यहाँ पे एडेनिन होगा। वैसे ही अगर हमें टी प्लस सी के नीचे बैंड मिला हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, थायमिन, ठीक। अब ये चीज ध्यान देने वाली है, अगर हमें एक ही पोजीशन में दो बैंड मिल रहे हैं, ये देखिए दो बैंड मिल रहे हैं और ये एक ही तरफ मिल रहे हैं हमें ये बैंड, तो अब देखिए जी, यहाँ पे जी है, यहाँ ए प्लस जी है, दो बैंड मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ग्वानिन होना चाहिए। अगर हमें यहाँ सिंगल बैंड मिलता जैसे यही मिला था ए प्लस जी का, तो इसका मतलब यहाँ पे ए होता, लेकिन हमें दो बैंड मिले हैं, जी यहाँ भी है, जी यहाँ भी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्वानिन। वैसे ही दो बैंड हमें मिल रहे हैं टी प्लस सी के नीचे और सी के नीचे, तो यहाँ पे ऑब्वियस है क्या होगा, यहाँ पे साइटोसिन होगा, ठीक। उसी तरीके से यहाँ देखिए, एक बैंड अगर हमें यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडेनिन, अगेन दो बैंड तो फिर क्या होगा आप बताओ, यहाँ पे ग्वानिन, ठीक है। फिर सिंगल एक बैंड मिला है यहाँ पे हमें, ठीक है, अगर ये हमें सिंगल बैंड यहाँ पे मिल रहा है सी के नीचे तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोसिन, ठीक है, जब सी के नीचे ही मिल रहा है तो यहाँ पे साइटोसिन ही होगा, अगर यहाँ पे हमें दो बैंड मिलते तब भी साइटोसिन होता, अगर लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे टी प्लस सी के नीचे ही एक ही बैंड होता तब वहां क्या होता, थायमिन। तो इस तरीके से हमने सीक्वेंसेस जो थी हमारे अननोन डीएनए फ्रैगमेंट की हमने पता कर लिया। अब देखिए ये सीक्वेंस हमें 5' टू 3' जो हमने एनालाइज किया है, एनालाइज स्ट्रैंड की सीक्वेंस है ए टी जी सी ए जी सी, जो अभी मैंने दिखाई थी आपको सेम वही, तो अब इसके हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पता कर सकते हैं। ये सीक्वेंस है किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की, ठीक है, तो एक इससे बाइंड करता है टी से, ठीक, तो एक नीचे टी कर सकते हैं, टी किससे, ए, जी के नीचे सी, सी के नीचे जी, ए टी जी सी सी एंड जी, तो इस तरीके से जो हमारा ये वाला अननोन डीएनए फ्रैगमेंट था उसकी सीक्वेंस हमने मैक्सम एंड गिलबर्ट सीक्वेंसिंग के थ्रू हमने इसको हमने पता कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारा सैंगर्स मेथड। पहले आपको पता करना होगा कि डी डी एन टी पी जो हम इसमें यूज कर रहे हैं, नॉर्मली तो जनरली आपने पढ़ा होगा कि डी एन टी पीज होते हैं डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट्स, ठीक है, डी एन टी पीज फोर कौन कौन से होते हैं, डी ए टी पी, डी सी टी पी, डी जी टी पी एंड डी टी टी पी, लेकिन इसमें हम डी डी एन टी पी का यूज कर रहे हैं, डी डी एन टी पी को ही बोल रहे हैं चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड या फिर डाई डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड यहां पे देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन है ये यहां पे, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं है क्योंकि यहां पे 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही यहां से ही पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जब आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि अगर किसी न्यूक्लियोटाइड के पास जैसे डीएनटीपी है उसके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फ्री 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है,
तभी वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होगा। अगर डीएनटीपी के पास फ्री थ्री प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा तो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं होंगे और डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाएगी। अब इसको हम डीडीएनटीपी क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं डाई डीऑक्सी, मतलब ये देखिए इसके पास थ्री प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। और डीऑक्सीराइबो शुगर में क्या होता है, टू प्राइम डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, ठीक है। अगर यहाँ OH हो जाए, यहाँ भी OH हो जाए तो ये राइबोस शुगर बन जाएगी, ठीक। अगर यहाँ पे यहाँ का ऑक्सीजन रिमूव कर दी गई है तो यह क्या हुआ, टू प्राइम डीऑक्सीराइबो शुगर। अगर इसके थ्री प्राइम कार्बन की भी ऑक्सीजन रिमूव है तो ये क्या है, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक। क्योंकि इसके पास यहाँ इस जगह पे फ्री थ्री प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। यहाँ से रीडिंग यहाँ से करेंगे, अगर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो यहाँ पे क्या है, थ्री प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है, तभी इसको हम क्या बोल रहे हैं, डाई डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डी डी एन टी पी। मेन रोल देखिए इसी का है, सैंगर्स मेथड में डी डी एन टी पी का रोल ही है। अब डी डी एन टी पी क्या करेगा, अगर किसी चेन में जैसे डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे ये आके ऐड हो जाएगा, तो फिर ये डीएनए की पॉलीमराइजेशन की रेप्लिकेशन की प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप कर देगा और चेन टर्मिनेशन हो जाएगा और प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है इनकमिंग डीएनटीपी के साथ में, ठीक है। इनकमिंग डीएनटीपी के साथ में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो अहम प्रोसेस देखते हैं, सेम वही है, एक हमारे पास एक डीएनए है, अननोन डीएनए फ्रैगमेंट है ये, ठीक है, दोनों इसके स्ट्रैंड, और हमें इसकी सीक्वेंसेस पता नहीं है। अब हमें इसकी सीक्वेंसेस का पता करना है, तो सबसे पहले सेम प्रोसीजर, डीएनए को डिनेचर करेंगे और हम एक सिंगल स्ट्रैंड को ऑप्टेन कर लेंगे। ये हमें सिंगल स्ट्रैंड मिल गया, ठीक। अब इस सिंगल स्ट्रैंड को हम एक एंड पे एक प्राइमर से, यहाँ पे लेबल्ड प्राइमर है, सेम वैसे ही फॉस्फोरस 32 से लेबल्ड प्राइमर है ये, यहाँ पे इसको हम हमें अटैच करना होगा। ये पूरी प्रोसेस एक ट्यूब में ही हो रही है, ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने इसे इसको बनाया हुआ है। तो एक लेबल्ड प्राइमर यहाँ पे इसके एक एंड पे अटैच कर लेते हैं। प्राइमर क्या होते हैं, प्राइमर एक शॉर्ट सीक्वेंसेस होती हैं, 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स की बेस पेयर्स की सीक्वेंसेस हैं, और इसका काम क्या होगा, डीएनए को यहाँ पे पॉलीमराइज करना, ठीक है। ये इसके पास थ्री प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, यहीं पे नेक्स्ट डीएनटीपी ऐड होगा और ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो ये देखिए वैसे ही सेम रिएक्शन है, हमने चार टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। अब चारों टेस्ट ट्यूब में हम क्या ऐड कर रहे हैं, चारों टेस्ट ट्यूब में हम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम, ठीक है, यहाँ पॉलीमरेज थर्ड, जो आप जानते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में मेजर जो पॉलीमराइजिंग एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम प्लस फोर डीएनटीपीज। फोर डीएनटीपीज कौन से, डीएनटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी एंड डीटीटीपी, ठीक है। तो ये हमें चारों टेस्ट ट्यूब में मिक्स करना है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में भी डाला यही, सेकंड में भी, थर्ड में भी एंड फोर्थ में भी। इसके अलावा ये इन सब चीज़ों के अलावा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और फोर चारों डीएनटीपी के अलावा, हम फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ये डीडीएटीपी डाल रहे हैं, ठीक है, डाई डीऑक्सी एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डीडीएटीपी। सेकेंड वाली ट्यूब में ये पूरा प्लस डीडीटीटीपी, थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में ये पूरा प्लस डीडीसीटीपी, फोर्थ टेस्ट ट्यूब में ये पूरा मिक्सचर प्लस डीडीजीटीपी, ठीक है। अब देखिए फिर से हम क्या करते हैं, हमें डीएनए के स्मॉल फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, और हम उन्हें इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जैसे बताया था मैंने, साइज के अकॉर्डिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ फ्रैगमेंट जो मिलेंगे वो लार्जेस्ट होंगे, और जब से नीचे जो मिलेगा, ऊपर सबसे मिलेगा वो लार्जेस्ट होगा और सबसे नीचे जो मिलेगा स्मॉलेस्ट, ठीक। तो बड़े फ्रैगमेंट्स ऊपर, छोटे फ्रैगमेंट्स नीचे। फिर सेम प्रोसीजर, ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम बैंड्स जो हैं वो ऑप्टेन कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें डी डी ए टी पी ये क्या है, चेन टर्मिनेटिंग
न्यूक्लियोटाइड है जो रिएक्शन हो रही है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होगा, यहाँ पे प्राइमर है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। जैसे ही DDATP यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, तो वो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब फर्दर इसमें कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पे DDATP आया उसने रिएक्शन को वहीं स्टॉप कर दिया। सेम वही DDTP आएगा, रिएक्शन आगे बढ़ रही है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं, और DDTP के आने से क्या होती है, रिएक्शन वहाँ फर्दर स्टॉप हो जाएगी। सेम इस केस में भी होगा, सेम इस केस में भी होगा। इस तरीके से हमें स्मॉल फ्रैगमेंट्स जो होंगे वो मिल जाएंगे और उनका बैंड हमें ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू मिल जाएगा। तो ये देखिए आप, सैंगर्स मेथड जो है, इसका जो बैंड अगर आपको डिटेक्ट करना है तो ये बहुत ही ईजी है। रीडिंग वैसे ही बॉटम टू टॉप रीडिंग लेंगे, 5' नीचे, 3' ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अगर नीचे एक बैंड मिला है, बताया था आप लोग को, ये क्या होगा साइज में, स्मॉलेस्ट होगा, ऊपर वाला ये वाला लार्जेस्ट होगा। तो जी के नीचे हमें वैसे ही सेम ATGC हमने यहाँ लिख लिया, ATCG। जी के नीचे बैंड मिला है हमें तो यहाँ ऑब्वियस है जी होगा, टी के नीचे बैंड मिला है टी, ए के नीचे बैंड मिला है ए, सी के नीचे सी, फिर जी, फिर टी, फिर ए। तो हमारे पास जो DNA फ्रैगमेंट था हमें उसकी सीक्वेंस पता कर ली। सेम वैसे ही 5' to 3' लिख लिया, यहाँ पे हमने ये बेस लिफ बेस लिख लिया, GTACGTA। कॉम्प्लीमेंट्री ये एनालाइज वाले स्ट्रैंड था हमारा, जो हमें पता लग गई है सीक्वेंस। अब हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये स्ट्रैंड हमने यहाँ पे इसकी सीक्वेंस सेम वैसे ही बना ली। इस तरीके से हमें जो अननोन हमारा DNA फ्रैगमेंट था उसकी सीक्वेंसेस का पता लग गया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ शेयर भी करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।